आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। भारत सरकार ने देश से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी, हालांकि इसके बाद भी भारतीय गेहूं का देश से बाहर का सफर जारी है और निर्यात पर रोक के बाद 5 लाख टन गेहूं देश से बाहर जा चुका है। दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात पर कर कटौती की घोषणा की है। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को कीमत में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कच्चे पाम तेल निर्यात और लेवी दर को $575 प्रति टन से घटाकर $488 प्रति टन कर देगी, जो कि भारत के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2022 में किसानों के लिए बीज और खाद की पूरी व्यवस्था की है, ताकि रबी सीजन जैसे खाद को लेकर कोई लड़ाई ना हो। किसानों को बीज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। इस सीजन में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल और कपास के कुल 2,59,011 क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई है। भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने और यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद वहां उत्पादन घटने की आशंका के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमतों में उछाल आया है। वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन FAQ मूल्य सूचकांक मई 2022 में औसतम 157.4 अंक रहा, जो अप्रैल से 0.6% कम है। प्याज इन दिनों अपनी दुर्दशा को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इससे देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसान परेशान हैं। ऐसे में किसान प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्याज की लगातार गिरती कीमतों के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। केंद्र सरकार वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का MSP बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली और कपास समेत 14 फसलों का MSP एक साथ बढ़ाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट को 0.50% बढ़ा दिया गया है। अब रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गए हैं। बाजारों में एक बार फिर से सोयाबीन तेल की सप्लाई कम होने और डिमांड अच्छी रहने के कारण सोया तेल की कीमत में पुनः धीरे धीरे तेजी का वातावरण बना हुआ है। सोयाबीन तेल इंदौर 10 रुपए बढ़कर 1525 से 1530 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। तुर्की और मिस्र से ठुकराई गई भारत के गेहूं की 56,000 टन खेप फिलहाल इसराइल के बंदरगाह पर फंसी हुई है। तुर्की और मिस्र से होते हुए गेहूं अब इसराइल के बंदरगाह पर पहुंच गया है। गेहूं की ये खेप कहां भेजी जानी है, उसके लिए सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। जून के पहले सप्ताह तक मंडियों में सरसों की लगभग आधी फसल की खपत हो चुकी है। बिनौला में कारोबार लगभग समाप्त हो गया है। वहीं सरकारी संस्थाओं द्वारा सरसों की अपेक्षित खरीद नहीं हुई है और सरसों रिफाइंड का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।